नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। आज के इस और खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें कि हम बात करेंगे होम लोन की। क्रेडिट कार्ड का आपके होम लोन पर क्या असर होता है, क्या लिंक है दोनों के बीच, और वो समझाने की कोशिश आज हम आपको करेंगे। क्या ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना खराब है, क्या ज्यादा लिमिट होना गलत है, इस पर थोड़ा और क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज बलवंत जैन जुड़े हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एंड टैक्स एक्सपर्ट, इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम होम लोन पर थोड़ा फोकस करेंगे और उसका रिलेशन क्रेडिट कार्ड पर के साथ कैसा है, क्रेडिट कार्ड का कितना इम्पैक्ट आपके होम लोन पर पड़ता है, जब आप लोन अप्लाई करते हैं उस पर कितना पड़ता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पहले तो नुकसान समझाएं क्रेडिट कार्ड का, कि उसकी वजह से लोन एप्लीकेशन में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए पूजा, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड दो धारी तलवार है, मतलब अगर आप संभाल के यूज नहीं करो तो उसका नुकसान हो सकता है, आप डेट ट्रैप में भी आ सकते हो। मतलब आप इम्पल्सिव परचेज वगैरह करो, बहुत सारा खर्चा करो, और अगर आप उसको पेमेंट नहीं कर पाओ तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है, और क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अगर खराब हो जाती है तो जब भी आप होम लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो जो लेंडर है वो अप्रोच करते हैं, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जैसे सिविल मुख्य पायनियर है, तो उनसे वो रिपोर्ट मंगवाते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह मंगवाते हैं। तो अगर आपने कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट डीले किया है, डिफॉल्ट किया है, या अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी को राइट ऑफ वगैरह करना पड़ा है, तो उससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है और क्रेडिट हिस्ट्री है वो स्पॉइल होती है, तो आपकी जो होम लोन की एलिजिबिलिटी है वो मुश्किल हो जाती है, मतलब आपको होम लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप क्रेडिट कार्ड संभाल के यूज करें तो क्रेडिट कार्ड के जो जैसे आपकी पेमेंट ड्यू है वो आप ड्यू डेट पे पेमेंट कर दें तो वो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो आपके बिल्ड करने में मदद करता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। मतलब वही क्रेडिट कार्ड के यूज को अगर आप संभाल के और अनुशासित तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बिल्ड करने में सहूलियत होती है, तो आप और आपको जो जो होम लोन है वो लेंडर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे ही देता है। तो अगर आपके आपका इतिहास रहा है आपके जो क्रेडिट कार्ड रेगुलरली सर्विस वगैरह करने का, अगर आप बराबर सर्विस कर रहे हैं तो जो होम लोन का लेंडर है, जो भले बैंक हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, उनको ये कंफर्ट मिल जाती है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है वो एकदम डिसिप्लिन है और जो भी लाइबिलिटी लेता है वो बराबर से पेमेंट करता है और सर्विस करता है, तो ये दोनों तरह से काम करता है। ओके सर, क्या ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना नुकसानदेह हो सकता है, इस पर आपका क्या टेक होगा? क्योंकि काफी बार हम सुनते हैं कि किसी किसी के पास 5-6 क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो क्या उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो जो आउटस्टैंडिंग है वो एक तरह से आपका कर्ज ही है और उसको भी कहीं ना कहीं बैंक स्टडी करती है, इस पर आपकी क्या राय होगी, कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए? देखिए पूजा, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा रखने, अनाप शनाप क्रेडिट कार्ड रखने से तो कोई मतलब नहीं है, गुम जाए तो भी आपको जो लॉस वगैरह करने की, उसको कंप्लेन वगैरह करने की जद्दोजहादत में पड़ना पड़ता है, तो जैसे 3-4 क्रेडिट कार्ड आपके पास होने चाहिए। पर इससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो तो भी एडवर्स इन्फ्लुएंस हो सकता है, परंतु सिर्फ क्रेडिट कार्ड ज्यादा होने की वजह से आपका एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं होता है, परंतु अगर आपने आपके जो क्रेडिट कार्ड पे जो आउटस्टैंडिंग है वो ज्यादा है और वो ओवरड्यू हो गया है, तो जो जब जैसे आप होम लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो जैसे आपने रोल ओवर किया, जिसमें आप 5% तक का पेमेंट करते हैं आपका आउटस्टैंडिंग का और बाकी का आप रोल ओवर करते हैं, तो जितना आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग रहेगा उतना जो होम लोन का लेंडर है वो आपकी इनकम के बेसिस पे जितनी एलिजिबिलिटी बनती है उतना जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका कम कर देगा, तो मतलब आपकी होम लोन की जो अमाउंट है, सैंक्शन अमाउंट है, उतनी कम हो जाएगी। परंतु अगर आपने रोल ओवर किया है तो उसका एडवर्स इंपैक्ट नहीं है, पर ये वैसे कॉस्टली है पूजा, मतलब आप 2.5-3% का ब्याज भरते हैं क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग पे, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड तो आपको जब आप पे कर सकते हो उतना ही खर्चा करना चाहिए, मतलब आपकी जो इनकम है इनकम के बेसिस पे ही के हिसाब से ही क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। ओके, तो काफी बार हम ये भी सुनते हैं कि क्रेडिट कार्ड की ज्यादा लिमिट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ज्यादा लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड की, ये कितना सही है, क्योंकि क्या ज्यादा लिमिट होने से भी कुछ मुश्किलें हो सकती हैं होम लोन लेते समय? नहीं, देखिए पूजा, ऐसा है कि आपकी जितनी ज्यादा क्रेडिट लिमिट है,
ये आप फर्क समझना पड़ेगा आपको कि एक क्रेडिट लिमिट है और एक आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज है. मतलब लिमिट है, हो सकता है आपने यूज नहीं की हो. मतलब तो जो अगर आपकी क्रेडिट लिमिट है वो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस बताता है. मतलब जो होम लोन का लेंडर है उसको लगता है कि एक पहले क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी ने आपका क्रेडिट प्रोफाइल वगैरह बराबर से चेक किया है और आपको अगर अच्छी लिमिट दी है. और लिमिट भी नॉर्मली क्या होता है, इनिशियली थोड़ी कम लिमिट होती है और बाद में वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो लिमिट को बढ़ाती है. तो अच्छी अगर आपकी लिमिट है तो वो होम लोन की लेंडर को भी कंफर्ट देता है कि भाई इनकी जो क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है और ये क्रेडिट प्रोफाइल की बेसिस पे इनको अच्छी इसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है. परंतु अगर आउटस्टैंडिंग ड्यूज अगर ज्यादा है तो मैंने जैसे बताया उसका वो एडवर्स इंफरेंस लेते हैं होम लोन लेंडर. बिल्कुल, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ज्यादा है तो उसके आउटस्टैंडिंग ड्यूज भी काफी ज्यादा हो सकते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं. तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको आउटस्टैंडिंग ड्यूज को रिव्यू करने की जरूरत है और कोशिश करें कि जो क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद कर दें या तो उनका इस्तेमाल करना बंद कर दें और ज्यादा लिमिट उस जो भी एग्जिस्टिंग कार्ड्स हैं आपके उसे ना बढ़ाएं. इस पर एक और सवाल होगा, काफी बार ऐसा होता है डिफॉल्ट कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देते वक्त हम डिफॉल्ट भी कर देते हैं, उससे हमारा सिबिल स्कोर भी खराब हो जाता है. वो सुधारने के लिए क्या करना चाहिए सर, उसकी क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हम अपना सिबिल स्कोर सुधार सकते हैं? देखिए पूजा, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट करने में अगर वन ऑफ केस में अगर कोई डीले हो गया तो उससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. परंतु ये रिपीटेड आपका डिफॉल्ट होता है, मतलब हर बार आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डीले होता है, मतलब आप हर महीने लेट पेमेंट करते हैं, आपका इंटरेस्ट वगैरह लगता है, तो उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है. तो जहां तक आपका प्रश्न है क्रेडिट हिस्ट्री को कैसे सुधारा जाए, तो सबसे पहला काम तो है जो आपकी आउटस्टैंडिंग है, भले वो क्रेडिट कार्ड की ड्यूज है या पर्सनल लोन वगैरह की जो ड्यूज है उनका पेमेंट कर दे. और पेमेंट आपको आपके रिसोर्सेज में से ही करना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो गई है तो आपको और कहीं से भी कोई भी फाइनेंशियल फैसिलिटी सिस्टम में से नहीं मिलने वाली. अगर आपको अभी आपको जो आपका क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट हिस्ट्री है, इसको इंप्रूव करने के लिए काम करना पड़ेगा. तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं. मतलब आप एफडी रख लें, एफडी के सामने क्रेडिट कार्ड ले लेवे, या कोई भी टेंजिबल जैसे आपके पास एलआईसी है, एलआईसी की पॉलिसी है, एनएससी वगैरह है, या जो भी टेंजिबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उनके सिक्योरिटी के सामने लोन ले लेवे. तो वो उसमें लेंडर को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको उनको मालूम है क्या उनके पास में फाइनेंशियल असेट है, वो कभी भी लिक्विडेट करके आपका लोन आउटस्टैंडिंग पेमेंट कर सकते हैं. जो लोन आपने लिया है उसको आप रेगुलरली ईएमआई वगैरह पेमेंट करते जाइए. तो जैसे जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपकी जो 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 क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो हिस्ट्री है वहां पे, वैसे जैसे सिबिल में 7 साल तक का डेटा रहता है, तो जैसे आपकी नई हिस्ट्री अच्छी हिस्ट्री डिसिप्लिन वाली आती है तो पुरानी वाली जो खराब वाली हिस्ट्री है वो बैकग्राउंड में चली जाती है. और जो रिसेंट ट्रांजेक्शन है, नए ट्रांजेक्शन है, उस पर वेटेज ज्यादा है, तो ओवर द ईयर आपका जो जो सिविल स्कोर या जो क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव हो जाती है. पर पूजा एक बात बताना चाहूंगा, यह आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, क्रेडिट स्कोर है, ओवरनाइट इंप्रूव नहीं होगा. इसको कम से कम आपको 2-4 साल लगेंगे. जब आपका 2-4 साल का अच्छा डिसिप्लिन का क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाता है, उसके सामने आपका जो पुराना वाला स्पॉइल हुआ जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो ढक जाता है, क्योंकि उसका वजन कम हो जाता, वेट, रिलेटिव वेट कम हो जाता है. तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. परंतु अगर किसी का आज अगर क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, सिबिल का स्कोर वगैरह खराब है, तो आज की तारीख में तो उनको फाइनेंशियल सिस्टम से ना तो क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, ना होम लोन मिल सकता है. सर, हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हैं, उनका भी सवाल हम ले लेते हैं. कुछ क्वेरीज यहाँ पर आई हैं, पहले ये ले लेते हैं, उसके बाद ये चर्चा आगे भी जारी करेंगे. एक क्वेरी आई है कि होम लोन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास तैयार होने चाहिए जब हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं. तो देखिए पूजा, ऐसा है कि कोई भी फैसिलिटी के लिए आप एप्लीकेशन करते हो तो आपके पास तो एक तो बेसिक आपकी केवाईसी होनी चाहिए, जैसे जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ है, आपका पैन नंबर वगैरह है, आपके फोटोग्राफ वगैरह है, लोन एप्लीकेशन है, वो भरनी पड़ेगी. इसके अलावा आपको जो जो आपकी इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं,
वो चाहे आपके फॉर्म नंबर 16 हो या आपने ITR वगैरह फाइल किया है, वो होना चाहिए। या आप लो, और ऐसा नहीं है पूजा कि आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किए बगैर होम लोन के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। आप प्रॉपर्टी बाद में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, होम लोन पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहले अगर आपको होम लोन आइडेंटिफाई कर होम लोन अप्लाई करना है तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। और अगर आपने प्रॉपर्टी भी आइडेंटिफाई कर ली है तो प्रॉपर्टी का जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट वगैरह है और प्रॉपर्टी की जो डिटेल वगैरह वो आप फर्निश कर दीजिए होम लोन लेंडर को। ओके सर, इस पर एक और सवाल था। हम सिविल स्कोर की, सिविल हिस्ट्री की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। किसी किसी के पास अक्सर देखा गया है कि उनके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड लेके नहीं रखा होता है, उन्होंने पहले कोई लोन नहीं लिया होता है, तो उनकी कोई सिविल हिस्ट्री होती नहीं है। तो ऐसे में क्या लोन मिलने में कुछ दिक्कतें होती हैं? नहीं पूजा, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। मतलब ये वो हो गया कि अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जो सिविल का स्कोर है या जो सिविल के क्रेडिट हिस्ट्री है वो लेंडर के लिए एक प्राइमा फेसी एविडेंस है कि जो आदमी लोन के लिए अप्लाई कर रहा है वो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो लोन बराबर सर्विस करेगा। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया भी है, मतलब आपकी जो इनकम के बेसिस पे आपके लोन सर्विस करने की जो एबिलिटी वगैरह है। परंतु जैसे आपने पूछा कि किसी की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो ऐसा नहीं कि उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, परंतु उसके लिए दूसरे जो सरोगेट मेजर्स है वो लेंडर यूज करते हैं। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी है या MBA वगैरह किया है, तो उसमें आपके इनकम के पोटेंशियल्स हैं, बराबर है जी। या इसकी आपकी जो आपकी रेगुलर इनकम वगैरह, भले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है परंतु अगर आपकी इनकम सफिशियंट है और आपका जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह देख के आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स वगैरह है, आपके कोई EMI वगैरह तो नहीं आ रही है, आपका कोई चेक्स वगैरह बाउंस तो नहीं हो रहे हैं, तो वो मेजर चेक करके लेंडर है ना आपको पैसा दे सकते हैं। मतलब जिनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या सिबिल रिकॉर्ड नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी क्रेडिट सिस्टम से पैसा मिल सकता है। ओके तो ये कितने तक का लोन मिल सकता है, क्योंकि बैंक के पास क्रेडिट हिस्ट्री तो है नहीं स्टडी करने के लिए, तो ऐसे केस में क्या कुछ मिनिमम अमाउंट है जहां तक ही का ही अप्रूवल मिल सकता है? देखो पूजा, ऐसा है कि जो लोन अमाउंट आपका है ना, कितना मिलेगा वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पर डिसाइड नहीं होता है। वो आपकी जो इनकम है नॉर्मली उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। और लेंडर ये प्रिज्यूम करते हैं कि आपकी जो इनकम है उसका 40-50% जो है वो आप अपने खर्चे के लिए यूज करते हैं, और बाकी का जो 40-50% है वो आप कोई भी लोन वगैरह लिया हो तो उसकी EMI वगैरह सर्विस करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें से जैसे पहले आपकी कोई रेगुलर EMI वगैरह जा रही है तो वो डिडक्ट हो जाता है। और ये डिपेंड करेगा आपका लोन का टेन्योर कितना है। जैसे होम लोन है, होम लोन काफी लंबे समय के लिए होता है तो उसकी जो EMI है प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो कम होता है, तो आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 4-4.5 गुना मिलता है। कार लोन वगैरह है वो 5-7 साल के लिए मिलता है तो उसका एनुअल इनकम का आपको 3 गुने के आसपास मिलता है। मतलब वो आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोन कितना मिलेगा। परंतु जैसे होम लोन, अपन जैसे होम लोन की बात कर रहे हैं तो होम लोन में जैसे अगर आप इनकम के अलावा भी, जैसे आपका नॉर्मली 20 साल का टेन्योर होता है, अगर आपका टेन्योर अगर बढ़ा देते हैं तो आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके जो स्पाउस है, आपके सन डॉटर वगैरह है या पेरेंट्स वगैरह हैं और वो अर्निंग है, अगर उनको भी अगर आप को बोरोअर ऐड कर देते हैं तो भी आपकी जो होम लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी डिसाइड करते टाइम आपकी इनकम के साथ साथ आपके जो को बोरोअर है उनकी इनकम को भी कंसिडर किया जाता है। और कुछ दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। मुंबई से अंशु जैन ने हमें मेल किया है और इनका सवाल यह है कि ये भारतीय नागरिक ही हैं, मुंबई में रहती हैं लेकिन ये अबुधाबी में एक अपार्टमेंट खरीदना चाह रही हैं, तो ये जानना चाह रही हैं कि अब्रॉड में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या उन्हें लोन मिल सकता है, और अगर हाँ तो क्या क्या क्राइटेरिया है जो इन्हें फुलफिल करना चाहिए। बलवन जी क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो लेंडर होम लोन देता है तो वो जो प्रॉपर्टी जो फाइनेंस होती है उसकी सिक्योरिटी के सामने देता है। अब इनको दुबई में खरीदना है मकान, अब दुबई में तो
क्या है, अगर सपोज जो लेंडर जो पैसा देता है अगर वो होम लोन की ईएमआई अगर बोरोर अगर नहीं चुका पाता तो लेंडर के पास में एक जरिया होता है कि वो प्रॉपर्टी जाके अटैच कर देवे, सीज कर देवे। अगर इंडिया में है वो प्रॉपर्टी तो लेंडर के लिए सरल हो जाता है, परंतु अगर वही प्रॉपर्टी दुबई में है तो इंडिया की बैंक वहां दुबई में जाके कहां प्रॉपर्टी वगैरह अटैच करेगी, और काई वहां जाके अटैच कर भी सकते हैं पर कोई भी लेंडर काई को इस झंझट में पड़ेगा। तो मोस्टली लेंडर है ना इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको होम लोन नहीं देंगे, परंतु आप इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी खरीदने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आप जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उसके तहत हर साल आप $2.5 लाख भेज सकते हैं और उसके हिसाब से अगर उस बजट में आपके अगर प्रॉपर्टी अब्रॉड आती है तो आप खरीद सकते हैं। मतलब खरीदने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर लेंडर नॉर्मली आपको होम लोन नहीं देगा। ओके, तो अगर बाहर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए आपको लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगला सवाल भी ले लेते हैं, बैंगलोर से सौरभ का हमें मेल आया है और इनका सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो घर खरीदना चाह रहे हैं वो 35 लाख का है, लोन एलिजिबिलिटी जो है इनकी वो 22 लाख की है, लेकिन जो प्रॉपर्टी ये खरीदेंगे इनका कहना है कि उससे उनको 10,000 का हर मंथ एक रेंट भी मिलेगा। तो ये जानना चाह रहे हैं क्या कोई चांस है कि जो इनका लोन एलिजिबिलिटी है, जो लोन अमाउंट है वो 30 लाख तक स्ट्रेच हो सके। वर्मन जी, इस पर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए पूजा, ऐसा है कि सौरभ जी जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो किराए पे देना चाहते हैं, तो लेंडर नॉर्मली क्या है, अगर आपके पास आपके खुद की प्रॉपर्टी हो और आप अगर उसको रेंट लेट आउट करते हैं तो उसके जो फ्यूचर रेंटल्स है उसके सामने आपको लोन देते हैं। परंतु चूंकि इनको मतलब होम के लिए भी घर के लिए भी लेना है लोन और रेंटल के सामने भी ये चाहते हैं कि लोन मिले, तो दोनों मेरे हिसाब से संभव नहीं होगा। परंतु जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि आपकी जो होम लोन की एलिजिबिलिटी है वो आप 2-3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। मतलब बेसिकली तो आपकी जो इनकम है और आपके जो लोन टेन्योर है उसके बेसिस पे होता है। इसको अभी आपकी इनकम है वो आप अपनी इनकम के तो प्रूफ बढ़ा नहीं सकते, तो जैसे आपके जो जो रिलेटिव जो क्लोज ब्लड रिलेशंस हैं, जैसे मैंने बताया आपके स्पाउस है, पेरेंट्स हैं, आपके चिल्ड्रन वगैरह हैं और वो अगर कमा रहे हैं तो उनको आप ऐड कर दीजिए, तो कंबाइंड इनकम से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो हो सकता है 30 लाख तक हो जाएगी। बराबर है। इसके अलावा आप आपका जो होम लोन का टेन्योर है वो अगर आप एक्सटेंड कर देंगे तो भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और चूंकि इनको लोन 30 लाख तक का ही लेना है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत भी अगर ये क्वालिफाई होते हैं तो जो उनको इंटरेस्ट की सब्सिडी है वो भी मिल सकती है। तो उनको जो लेंडर जहां से लोन ले रहे हैं वहां से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है और वो सब्सटेंशियल सब्सिडी है तो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ओके, तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी एलिजिबिलिटी भी आप चेक कर लीजिए, इसकी भी जानकारी आप ले लीजिए कि उसके जरिए आपको लोन कैसे मिल सकता है। बलवन जी, फिलहाल हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन जाते जाते एक और सवाल हम पूछना चाहते हैं। अक्सर कंफ्यूजन रहती है सिविल रिपोर्ट और सिविल स्कोर को लेकर, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, अगर ये आप हमारे दर्शकों को समझा पाए तो। देखिए पूजा, ऐसा है सिविल स्कोर जो है वो एक 3 नंबर है, 300 से 900 के बीच का, और ये मैजिक नंबर है, वो उसमें क्या क्या चीज जाती है वो नहीं मालूम पड़ता है। तो और 750 से ऊपर अगर नंबर है तो वो आपका अच्छा गिना जाता है। मतलब जैसे सिविल का जो रिकॉर्ड है उनके पास में तो वो बोलते कहते हैं कि 750 के ऊपर जिनका सिविल स्कोर है ऐसे लोन ऐसे लोगों को 79% जो लोगों ने क्रेडिट फैसिलिटी लिया क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह उनका स्कोर 750 से ज्यादा था। ये तो हो गया क्रेडिट स्कोर का, जितना ज्यादा है उतना अच्छा है आपका। दूसरा हो गया आपका क्रेडिट, एक तो क्रेडिट स्कोर हो गया और क्रेडिट सिविल हिस्ट्री है जो क्रेडिट रिपोर्ट है, सिविल रिपोर्ट है या क्रेडिट रिपोर्ट है वो बेसिकली कुछ नहीं है, आपका रेप्लिकेशन है, आपके जो ट्रांजेक्शन है, ईएमआई का पेमेंट है, आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, पिछले 2 साल के जो है रिकॉर्ड वो आपको सिविल रिपोर्ट में आते हैं। उसमें अगर आपका कुछ ओवरड्यू है तो आ जाता है, आपका जो होम लोन है वो कौन सी दिन तारीख से शुरू हुआ है, आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास कभी से शुरू हुआ है। तो ये जो व्यूअर्स है उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है कि वो चेक कर सकते हैं अगर उसमें कोई भी एंट्री गलत हो तो मैं तो व्यूअर को एडवाइज करूंगा, जैसे आप एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं वैसे आप एनुअली आपका सिविल स्कोर वगैरह भी ले, सिविल
स्कोर में अपना सिबिल रिपोर्ट भी ले सकते हो और साल में एक बार आरबीआई ने मैंडेट किया है कि वो आपको फ्री भी मिल सकती है, तो आपको ले लेना चाहिए और अगर उसमें कोई भी गलती हो तो आप सुधरवा दीजिए। तो सिबिल रिपोर्ट में आप अपने पूरे जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो देख सकते हैं। सिबिल स्कोर तो एक नंबर हुआ जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट हेल्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिबिल रिपोर्ट में आपके पूरे जितने भी क्रेडिट हिस्ट्री है वो दी होती है। बरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए कि क्रेडिट कार्ड का और सिबिल का कितना महत्व होता है जब हम होम लोन लेने जाते हैं। तो इससे चार बातें तो आज के डिस्कशन में सामने निकल कर आई है कि ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें, पांच से ज्यादा एक नंबर बना लें कि पांच से ज्यादा क्रेडिट कार्ड आप ना रखें, क्रेडिट कार्ड लिमिट को रिव्यू करते रहें, ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने पर भी आपका होम लोन रिजेक्ट हो सकता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि होम लोन लेने के कम एक साल पहले तक अगर हो सके तो कोई क्रेडिट कार्ड ना ले जिससे कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो सुधरा हुआ रहे और होम लोन लेने से पहले ही अपने सिबिल स्कोर को सुधारने का प्रयास करना चालू कर दे। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।